बृहस्पतिवार को बेमौसम आंधी और बारिश के कारण लगभग सैकड़ों गरीबों का आशियाना उजड़ गया। घर का छप्पर उड़कर लगभग 200 मीटर की दूरी पर जा गिरा। निसाय गरीब परिवारों को मदद में आगे आए समाजसेवी सहबेलदोर मुखिया प्रतिनिधि संजय शर्मा ने अपने स्तर से सूखा राशन उपलब्ध करवाया। विदित हो कि यह घटना बेलदौर पंचायत के वार्ड नंबर 14 की है। अरुण कुमार शर्मा के संबंध में पंचायत के वार्ड नंबर 14 के वार्ड सदस्य मुरली शर्मा को जैसे ही मालूम हुआ कि अरुण का घर उजड़ गया है तो तुरंत मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी भाई संजय कुमार शर्मा को सारी घटना की जानकारी दी। परिवार को जीविकोपार्जन के लिए संजय शर्मा ने परिवार के सदस्यों को नगद 5,000 रुपए और सूखा राशन की सामग्री भेंट की। गरीबों के मसीहा दिल दरिया भाई संजय कुमार शर्मा ने हमेशा से गरीबों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। वहीं उन्होंने सीओ से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तूफान आंधी से गिरने वाले घर आपदा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये आंधी में जो घर उजड़ा है इस पर हम पदाधिकारी से बात किए, सीओ साहब से, स्थानीय सीओ से बात किया। सीओ साहब ने कहा कि आपदा में नहीं आता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप भी इसी जमीन पर से उठ के जो है आप मुख्यमंत्री के पद पर गए हैं, और यहाँ के मैं विधायक से भी कहना चाहता हूँ, आप जैसे लोग जो है इसी धरती पर से उठ के आप विधानसभा तक पहुँचे हैं, क्या ये दर्द, ये गरीबों की दर्द आपको पता नहीं कि आपदा में नहीं आती यार? एक तो कोरोना की मार है, दूसरी ये आंधी तूफान में जो है सैकड़ों घर उजड़ गया, उसका कोई बसेरा नहीं, कहीं उसका कोई जगह, कोई स्थान नहीं, और आप कहते हो कि आपदा में नहीं आती। और एक छोटा सा पद मुखिया का है, कम से कम समाज सेवा के नाते हम जैसा कर्तव्य करने का भी पालन करो। तुम आओ, कम से कम देखो गरीबों, ये बाहर में बैठे हुए हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, आप लोग मीडिया भाई से, आप लोग मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ कि वह जो है ऐसे ऐसे आपदा में इस घड़ी में आके गरीबों का मदद करें। इस आपदा की घड़ी में क्या आप आर्थिक क्या मदद किए? जहाँ तक हो सका था आपदा की घड़ी में, और सूखा राशन जो है हमने देने का काम किया है। आपका सुनना संजय कुमार शर्मा, समाज सेवी बेलदौर।